अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसटी सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। सही है, ये सेगमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है। सही है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट जीरो होती है या नहीं होती। सही है, अब हम कहते हैं एसटी सेगमेंट बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है बिटवीन द एंड ऑफ द एस वेव एंड बिगनिंग ऑफ द टी वेव। जो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द एस वेव एंड टी वेव, इसको हम क्या कहते हैं, एस टी सेगमेंट कहते हैं। सही है, तो एस टी सेगमेंट बेसिकली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन द इंटरवल बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। सही है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब ऐसे नोड से इम्पल्स आएगा तो राइट और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा, जिसकी वजह से ईसीजी में एस पी वेव प्रोड्यूस होगा। सही है, फिर थ्रू ऐसे नोड इम्पल्स जो है ऐसे नोड से एवी नोड तक आएगा, फिर एवी नोड से राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगा, जिसकी वजह से ईसीजी में हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनेगा। तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जबकि टी वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो हम कहते हैं कि एसटी सेगमेंट जो है ये इंटरवल है बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसके दरमियान में जो सेगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एस टी सेगमेंट कहते हैं। सही है, और एस टी सेगमेंट हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। सही है, अब हम एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द एस टी सेगमेंट से पढ़ेंगे। सही है, कि आई एस टी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस होगा या एलिवेट होगा। सही है, तो मोस्टली टू एब्नॉर्मलिटीज रिलेटेड है विद एस टी सेगमेंट। नंबर फर्स्ट है मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन। सही है, ये दो एब्नॉर्मलिटीज है जो कि एस टी सेगमेंट से रिलेटेड है। सही है, अब हम पढ़ेंगे एस टी सेगमेंट एलिवेशन। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर इसकी एलिवेशन हो जाए 0.1 मिलीवोल्ट या 1 mm टू आर मोर लीड, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस टी एलिवेशन कहेंगे। सही है, और वो कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास ईसीजी में एस टी एलिवेशन होगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है, उसको याद करने के लिए निमोनिक्स है एलिवेशन। सही है, एस टी सेगमेंट को याद करने के लिए कौन सी निमोनिक्स है, एलिवेशन। सही है, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। सही है, मीन कि अगर बॉडी में पोटेशियम लेवल हाइपर केलीमिया यानी पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ईसीजी में हमारे पास क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगी। सही है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, हम कहते हैं कि ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड तक आएगा, फिर एवी नोड से राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच तक जाएगा, लेकिन अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से ईसीजी में हमारे पास एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगी। सही है, फिर हम कहेंगे ई रिप्रेजेंट एनली रिपोलराइजेशन वेरिएंट। सही है, और वी जो है वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, एनोरिज्म हम बल्जिंग कहते हैं या वीकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। सही है, तो उसको इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एस टी सेगमेंट होगा। सही है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगा। सही है, फिर ए जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस को शो करेगा। सही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर जो हमारे पास हार्ट लेयर जैसे। ये टी जो है ट्रोमा को रिप्रेजेंट करता है, ट्रोमा मीन पेरिकार्डियोसिंथेसिस। ये हमारे पास कंडीशन होता है जिसमें जिसमें क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगा। आई जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया को शो करेगा, ओ जो है ओस्बोर्न वेव मीन हाइपोथर्मिया का टेम्परेचर कम हो जाए तो ओस्बोर्न वेव प्रोड्यूस हो, जिसमें एस टी एलिवेशन होगा। सही है, नॉन ओक्लूसिव वेजोस्पाज्म मीन प्रेजमेटल एंजाइना, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगा। और ब्रोगाडा सिंड्रोम में भी हमारे पास क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगा। अगर हम समराइज़ कर ले तो आज हमने एस टी सेगमेंट को पढ़ा। एस टी सेगमेंट हम कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है बिटवीन वेंट्रिकुलर इंटरवल है बिटवीन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। सही, इससे हमारे पास मोस्ट टू कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ है मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन रिलेटेड विद द एस टी सेगमेंट। सही है, फिर एलिवेशन मीन के अगर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो ग्रेटर देन 0.1 mm या 0.1 mm और 0.1 मिलीवोल्ट हो जाए या 1 mm हो जाए। सही है, मोर देन 2 लीड तो उसमें एलिवेशन होगा। सही है, और जो ऑल दिस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगा, मीन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस आ जाए, लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक जा जाए, अर्ली डीपोलराइजेशन
वेरिएंट, वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ट्रोमा, माइकार्डियल इस्कीमिया, ओस्बोर्न वेव, नॉन ऑक्लूसिव वेजोस्पासम, इस सारी कंडीशन है हमारे पास क्या होगा, एसटी एलिवेशन होगा। सही, अब हम जाते हैं एसटी डिप्रेशन में। सही, एसटी डिप्रेशन हम कहते हैं कि जब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन लोअर देन लोअर हो जाए, सही, मीन के नेगेटिव डिफ्लेक्शन उसकी वजह से, ये और वो कितना हो, ग्रेटर देन 1 mm, मोर देन 2 L, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसटी डिप्रेशन कहते हैं। सही, अब हम एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड विद एसटी डिप्रेशन पढ़ेंगे। सही, उसको याद करने के लिए निमोनिक्स क्या है, LRH DMC। सही, LRH मीन, L मीन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसे भी क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हाइपोकैलेमिया, जब पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा तो हमारे पास एसटी डिप्रेशन होगा। सही, इस तरह अगर हम वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन के इनलार्जमेंट हो जाए, सही, वाल थिकन हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन होगा। इस तरह अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए उसकी वजह से भी हमारे पास डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन होगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, अगर हार्ट में जो राइट वेंट्रिकुलर है उसके से वाल थिकन हो जाए तो उसमें भी क्या होगा, एस डिप्रेशन होगा। और अगर राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा। सही, DMS मीन डिजॉर्प्शन टॉक्सिसिटी, मायोकार्डियल इस्कीमिया या नॉन एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सही है, या सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इस तीनों कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा। सही, एसटी डिप्रेशन हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जब डिप्रेशन ग्रेटर देन 1 mm हो जाए, मोर देन 2 L, तो उसको हम एसटी डिप्रेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मल जो है वो, उसको याद करने के लिए तरीका क्या है, LRH DMC। सही है, तो LRH में L जो है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि R जो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हाइपोकैलेमिया मीन अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा। सही है, DAD मीन डिजॉक्सिन टॉक्सिस इफेक्ट हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिप्रेशन होगा। मायोकार्डियल इस्कीमिया या नॉन एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एस मीन सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इस सारे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।